तो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ और मेरे चैनल का नाम है जी आई जे रिव्यू। तो भाई पाकिस्तान में ना एक और न्यू डिवाइस आ रही है जिसका नाम है ओप्पो रिनो 8 4G के नाम से। ये डिवाइस ऑलरेडी इंडिया की मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी गई है तकरीबन 42,950 रुपीज़ में। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो तकरीबन ये इस डिवाइस की जो प्राइस बनती है पाकिस्तान में 1,23,000 बनती है। सो डैट्स वाई मेरे ख्याल से इस डिवाइस की प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा हाई है पाकिस्तान में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी विदाउट टाइम वेस्ट किए। हम देखते हैं कि क्या इस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो वाकई ही 1,23,000 वाली है या नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिज़ाइन के बारे में। बैक का डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और यार दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज की तरह इन्होंने यहाँ पे इस तरह कोई हरकत नहीं की कि बैक पे हमें 4 या 5 कैमराज दे दिए हो। हमें बैक पे सिर्फ 3 कैमराज दिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा ना अच्छे लगते हैं, डिसेंट कैमरा डिज़ाइन भी लगता है और आपको 3 कैमराज के साथ ना सिंगल LED फ्लैश लाइट की ऑप्शन भी प्रोवाइड की गई है। अगर बात की जाए ना स्मार्टफोन की फ्रंट डिस्प्ले डिज़ाइन की तो हमें फ्रंट पे स्मार्ट पंच होल डिस्प्ले डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है जो वाटर ड्रॉप डिस्प्ले डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन है। ये तो मेरे ख्याल से यार डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के ना डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे आपको AMOLED का पैनल दिया गया है और 90 हैशेस की जगह अगर यहाँ पे 120 हैशेस के रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर देते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती। और यहाँ पे हमें 800 निट्स ब्राइटनेस की भी ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। तो भाई अगर आप इस स्मार्टफोन को सनलाइट में यूज़ करते हो ना लो ब्राइटनेस में भी तो आपको डिस्प्ले में हर चीज़ क्लियरली नज़र आएगी। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के स्क्रीन साइज़ की तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का स्क्रीन साइज़ दिया गया है और यहाँ पर आपको 83.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी प्रोवाइड किया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको फुल HD की रेजोल्यूशन भी दी गई है। अगर यहाँ पे हमें फुल HD की जगह फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। इस स्मार्टफोन में आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। तो मेरे ख्याल से यार डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन नॉर्मल दी गई है तो यहाँ पे डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस को ज़रा थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए था। मेरी तरफ से यार मैं नंबर देना चाहता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस को लाइक 10 में से 7 देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के ना प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ओप्पो रिनो 8 में एंड्रॉयड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिले, ठीक है, जो बीटा वर्जन होगा। स्मार्टफोन में आपको कलर OS 12.1 का UI प्रोवाइड किया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 1300 की चिपसेट प्रोवाइड की गई है जो बेस करती है 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर और यहाँ पे आपको ऑक्टाकोर का CPU भी दिया गया है। स्मार्टफोन में आपको Mali-G77 का GPU भी प्रोवाइड किया गया है। अगर यहाँ पे MediaTek Dimensity 1300 चिपसेट की जगह यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 की चिपसेट प्रोवाइड कर देते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती, क्योंकि यार MediaTek Dimensity 1300 एक गेमिंग चिपसेट तो नहीं है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि आपको ना इस डिवाइस में PUBG में 60 FPS की ऑप्शन देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे ओप्पो वाले स्नैपड्रैगन 888 की चिपसेट प्रोवाइड कर देते तो भाई ये डिवाइस एक गेमिंग बीस्ट डिवाइस होनी थी पाकिस्तान में। तो 1,23,000 की प्राइस टैग में मेरे ख्याल से ये डिवाइस बेहतरीन होने थी। आपको पाकिस्तान में ना 8GB रैम एंड 256GB रोम एंड 8GB रैम एंड 128GB रोम वाले वेरिएंट ही देखने को मिलेंगे। इस डिवाइस में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप भी प्रोवाइड की गई है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में। हमने बैक पे 50 MP का एक वाइड लेंस दिया गया है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, 2 MP का मैक्रो लेंस दिया गया है। तो अगर बात की जाए स्मार्टफोन के बैक पे आपको डुअल LED फ्लैश लाइट की ऑप्शन भी प्रोवाइड की गई है। जो MediaTek Dimensity 1300 चिपसेट ना ये सपोर्ट करती है 4K रिकॉर्डिंग को और 30 FPS पे 1080p 3060 और 120 FPS पे हम यहाँ पे बैक कैमरा से वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ओप्पो के कैमराज की बात की जाए तो ओप्पो के कैमराज काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस हवाले से यार मैं ओप्पो को जो नंबर देना चाहता हूँ ना 10 में से 10 देना चाहता हूँ, जो इसकी कैमरा के स्पेसिफिकेशन अच्छी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रियल में 50 MP का कैमरा प्रोवाइड किया गया तो आपको यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको वीडियोस वगैरह अगर आप कैप्चर करोगे तो यहाँ पे आपको क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के ना फ्रंट सेल्फी कैमरा के बारे में। तो आपको फ्रंट पे 32 MP का एक वाइड लेंस दिया गया है। तो दोस्तों आप फ्रंट सेल्फी कैमरा से 1080p एंड 30 FPS पे वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे एक अच्छा स्टेप लगा कि ओप्पो की तरफ से कि अब ये अपने फ्लैगशिप डिवाइसेज में भी ना हमें फ्रंट पे 32 MP का सेल्फी कैमरा भी देने वाले हैं। स्मार्टफोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की ऑप्शन भी प्रोवाइड की गई है जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने वाली है। स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh की बैटरी भी प्रोवाइड की गई है और ये स्मार्टफोन ना फास्ट
चार्जिंग को सपोर्ट करता है जी 80 वॉट में। ठीक है, आपका जो स्मार्टफोन है ना 11 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर स्मार्टफोन की प्राइस पाकिस्तान में तकरीबन 1,10,000 या 1,00,000 तक आती है तो भाई ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है। तो आज के लिए इतनी वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।